राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर जिला के बैनर तले राजद प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव की अध्यक्षता में भीमराव अंबेडकर के चित्र पर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सीएके गुप्ता द्वारा माल्यार्पण एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर राजद जिंदाबाद के नारे के साथ प्रारंभ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष एके गुप्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज जब देश प्रदेश घोषित आपातकाल से गुजर रहा है तो मोदी सरकार संविधान प्रदत्त अविशेष परिस्थिति में अधिकार का दुरुपयोग कर निर्णयों को निरस्त कराने में लगी है। आज देश का संविधान न्यायालय एवं संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा एवं सामाजिक सद्भाव हेतु मजबूत संघर्ष आवश्यक है, जिसमें 86 GB प्रमोटर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बैठक में मुजफ्फरपुर जिला बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर के सुमन तथा प्रधान महासचिव अध्यक्ष ने प्रदान किया। बैठक में संजय कुमार वर्मा उपाध्यक्ष, सुजन पासवान, सुजीत कुमार चौधरी महासचिव, राशिदेव राम प्रदेश राजद महासचिव, सबीर अंसारी, महिष्ठा नेत्री, रेणु सहनी, आशा कुमारी, रामा शेव, मनोज राय, विनोद कुमार सिंह, मालीपुर नगर परिषद सभापति राघवेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेश यादव सहित कई लोगों ने अपना विचार व्यक्त करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार को भाजपा मुक्त करने का संकल्प दोहराया है। वो मिलजुल के काम करेंगे और उसमें मीडिया के भाइयों का भी सहयोग चाहिए। हम आप सबका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से हम अशोक कुमार गुप्ता, रिटायर्ड डीजी पुलिस हैं, राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुजफ्फरपुर में आईजी भी रह चुके हैं। 98 से 2000 तक 2 साल हम आईजी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि भाजपा का कहना है कि अराजकता का माहौल पूरे बिहार में बन चुका है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आप एक रिटायर्ड DGP हैं और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं, किस रूप में देखते हैं और भाजपा की जो बात कह रही क्या सोच? मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक विधि व्यवस्था का प्रश्न है, बिहार में विधि व्यवस्था नियंत्रण में है। हमारे इतने अच्छे कुशल DGP हैं RS भट्टी साहब, उनके नेतृत्व में पूरी पुलिस तंत्र जो है मुस्तैदी से काम कर रही है, और जो सरकार का काम सरकार की इच्छा शक्ति है और पूरी चुस्ती मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन DM SP उनके अधीनस्थ लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादा कदा कहीं कहीं अपराध तो जब समाज है तो घटित होते हैं। भाजपा 13 जुलाई को विधानसभा मार्च कर रही है, कई तरह के मुद्दों को लेकर के उनका काम होता है, वो उस पर मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग को सरकार की नीतियाँ हैं, समाज सरकार के नीतियों के खिलाफ भाजपा की कहीं ना कहीं विरोध मार्च की जा रही है। वो आप उनके पार्टी से संबंधित मामला है, पार्टी अपना कार्यक्रम करते हैं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। प्रजातंत्र में पार्टियों को अपना अधिकार है, अपनी बातों को कहने का वो कर रहे हैं। भाजपा कह रही है सरकार नहीं चलेगी, जिस तरह से सरकार के अंदर जदयू और राजद के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है उसको लेकर? ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टियां जैसे मैंने कहा अपने हिसाब से बयान देती हैं, बातों को कहती हैं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का ना तो प्रवक्ता हूँ और ना पार्टी की बात यहाँ करने आया हूँ। जो कार्यक्रम है, नीतियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग सरकार मजबूती से चलेगी। अब मेरा बिहार बदल रहा है, और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाए। पारू थाना कांड संख्या 116-15 अंडर सेक्शन 147, 148, 323, 447, 307, 504/34 IPC एवं 27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त थे, परंतु इनका बेल 2015 में ही हो चुका था। पुलिस के द्वारा चार्जशीट करने के बाद विद्वान न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया। संज्ञान के पश्चात कोर्ट के द्वारा सम्मन निर्गत किया गया, लेकिन अभियुक्त को सम्मन की कॉपी नहीं मिली और न्यायालय के द्वारा बिलेबुल वारंट हो गया। तो पूर्व से इसमें बेल पर थे, इसलिए उनको जमानत आज हो गई, जमानत कोर्ट के द्वारा दे दी गई है। ये मामला 2015 का है और 21/5 एक मिनट रुकिए,
ये मामला 2015 का है और इन्हीं के एक पटीदार हैं अनूप कुमार सिंह इलियस झुनका बाबू, उनके और एक अमरेंद्र कुमार इलियस अमर भगत के विरुद्ध जमीनी विवाद को लेकर एक मुकदमा ये हुआ था, पारू थाना कांड संख्या 116-15, और अनूप बाबू के द्वारा, अनूप कुमार सिंह के द्वारा एक पारू थाना कांड संख्या 117-15 दाखिल किया गया था। दोनों केस एक दूसरे का पूरक है, काउंटर केस एंड काउंटर केस था, और ये दोनों पक्षों के बीच कंप्रोमाइज भी हो गई है, और यह जमीन से संबंधित मामला था। किस न्यायालय से बेल मिला है? ये अभी जो वर्तमान में यह संज्ञान के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में था, वो कोर्ट का नाम प्रिंस भारती है।